वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से कायम पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में मजलूम खवातीन को तहफ्फुज़ और इंसाफ की फराहमी जारी। सियालकोट से सुबह 11:44 पर लड़की ने वुमेन सेफ्टी ऐप पर चैट के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन राब्ता करके बताया कि सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती दो लड़कियों से हुई, जिन्होंने धोखे से उसकी मुलाकात दो लड़कों से करवा दी और बाज लड़कों ने धोखा दही से लड़की की तस्वीर और वीडियो बना ली और ब्लैकमेल करके नाजायज मरासम के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। वो कॉलेज आते जाते लड़की को हरासा करते और बात न मानने पर जान से मारने और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकियां भी देते। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन ने मामले की हसासियत के पेश नजर पुलिस का कॉलर से रब्ता करवाया। लड़की ने पुलिस को कॉलेज के बाहर ब्लैकमेलर लड़कों की निशानदेही करवाई, जिन्हें हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। मैंने आज वर्चुअल पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की थी, जिसके बना पर पुलिस ने फौरी मेरी मदद की और मुजरिमान को गिरफ्तार किया। मैं पुलिस और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने इस वर्चुअल पुलिस हेल्पलाइन को कायम किया ताकि खवातीन में फूक रह सके। कम उम्री और ज़हनी नापुख्तगी के सबब अक्सर लड़कियां बुरी सोहबत के ज़ेरे असर मसाइल का शिकार हो जाती हैं, जिनमें ब्लैकमेलिंग, अगवा और जिंसी हरासानी शामिल हैं और ऐसे मसाइल में घिरकर बाज़ औक़ात खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती हैं। आप अपने तालीमी अदारों और हॉस्टल्स में अनजान लोगों से मेल जोल रखने से गुरेज करें और अपनी तस्वीर या वीडियोस बिल्कुल शेयर ना करें। आप किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर कॉल करके 2 दबाकर या वुमेन सेफ्टी ऐप पर कॉल, चैट और वीडियो कॉल के जरिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से राबता कर सकती हैं। खवातीन का तहफ्फुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह।